खबरों की माने तो जैकलीन फर्नांडिस अब शाहरुख के मलेशिया कॉन्सर्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि फिलहाल वो सलमान स्टारर फिल्म किक की शूटिंग कर रही है। ऐसे में अब सुनने में आया है कि इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने अब जैकलीन की जगह बिपाशा बासु को इस कॉन्सर्ट के लिए फाइनलाइज कर लिया है। शाहरुख खान फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट्स पर लौट तो आए हैं लेकिन उन्हें अभी भी काफी परेशानी हो रही है और सोर्सेज की माने तो फिल्म के डायरेक्टर फराह खान इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि शाहरुख को कोई तकलीफ ना हो। हम आपको बता दें कि रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर शाहरुख इंजर्ड हो गए थे। खबरों की माने तो फाइनली अर्जुन रामपाल और महर जैसिया ने फिर से सुजैन रोशन के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है। दरअसल सुजैन और ऋतिक के ब्रेकअप के बाद अर्जुन और महर ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सुजैन और ऋतिक से दूरियां बना ली थी लेकिन रिसेंटली अर्जुन महर और सुजैन को एक ही रेस्टोरेंट में एक साथ स्पॉट किया गया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कहना है कि फिल्म सिंघम 2 को उन्होंने एक्ट्रेस करीना कपूर को दिमाग में रखकर ही लिखा था और इस फिल्म के लिए अब तक जिन भी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस प्रीति जिंटा आजकल मॉनेटरी इश्यूज फेस कर रही हैं। यही वजह है कि प्रीति ने अपने एक फ्लैट को रेंट पर देने के लिए अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया है। हम आपको बता दें राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति के खिलाफ पेमेंट्स न देने के मामले में एक केस दर्ज करवाया है। वैसे अब खबर आ रही है कि प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके न्यूज़पेपर्स में आई इस रिपोर्ट को गलत बताया है।